तो दोस्तों हम आपको लेकर आ गए दरगाह के अंदर और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। ये है एक बलि की शान। ये है यहाँ का मुसाफिर खाना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप के अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज लेकर चलता हूँ आपको शहरे अब्दुल बहाव नागौर शरीफ राजस्थान। तो दोस्तों काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद में हम आ चुके हैं नागौर, और नागौर में हमने माँ गंगा होटल में ले लिया है रूम, और हम आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सा रूम लिया है, और उसके बाद लेकर चलेंगे आपको हजरत अब्दुल बहाव रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पर, उनका कराते हैं आपको दीदार, और साथ ही आपको लेकर चलेंगे हजरत सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पर, उनका भी दीदार आपको कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को छोड़कर ना जाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको हम हमारा रूम। तो ये यहाँ का गार्डन है छोटा सा, और ये हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है। अब चलते हैं रूम की तरफ, नहा धोकर फ्रेश होकर चलेंगे। उस्मान भाई और बिल्लू गए हैं खाना लेने के लिए। तो ये है हमारा रूम, इधर टीवी लगा है, इधर एसी है, और ये डबल बेड है, ये सिंगल है। तीन लोग हैं हम, बिल्लू और हम और उस्मान भाई। ये हमारे बैग हमने यहाँ पर रख रखे हैं, अलमारी में नहीं रखे हैं, बिल्लू लेके आया था। तो दोस्तों लंबा सफ़र होने के कारण हो गई है थकान, और आधा एक घंटा रेस्ट मारेंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद में नहा धोकर लेकर चलते हैं आपको दरगाह की तरफ। ये दोस्तों आपको लेकर चलते हैं हम सैयद अब्दुल बहाव रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पर। तो दोस्तों आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम आ गए अब्दुल बहाव रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पर। यह है मेन दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। इस दरवाजे से एंटर होते ही अगला एक और दरवाज़ा है, इससे एंटर होते ही सामने दिखाई देता है हमें हजरत अब्दुल बहाव रहमतुल्लाह अलैह का रोज़े मुबारक। ये है यहाँ का मुसाफिर खाना, और इधर जो है जीलानी हाउस। दोस्तों ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है हजरत अब्दुल बहाव रहमतुल्लाह अलैह का रोज़े मुबारक, और ये कई और कब्र मुबारक भी बनी हुई है। मैं पहले आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये जो कुछ कब्र मुबारक हैं, ये आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ में ही बगदाद से तशरीफ लाए थे राजस्थान की सरजमीन नागौर में। तो चलिए चलते हैं दरगाह के अंदर। ये है दोस्तों दरगाह के अंदर का खूबसूरत नज़ारा माशा अल्लाह। एक बार आप कमेंट करके माशा अल्लाह जरूर लिख दें। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस पेड़ की तरफ जहां आप रहमतुल्लाह अलैह ने कई सालों तक इबादत की थी, वो है ये खेजड़ी का पेड़। ये सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता है ज़्यादा,
ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर कई वर्षों तक इबादत की थी और अल्लाह ताला ने इस पेड़ को ये शर्फ हासिल किया कि ये अभी तक अपनी जगह पर कायम है माशाल्लाह। अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे रोजे मुबारक की तरफ। यहाँ पर उर्दू और हिंदी में दोनों में इनका सिजरा लिखा हुआ है, आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। हजरत अब्दुल बहाव रहमतुल्लाह अलैह नागौर जब तशरीफ लाए तो यहाँ की राजकुमारी जो कि हजरत अब्दुल बहाव को देखकर और उनकी बातों से मुतशर होकर उन पर ईमान लाई और हजरत अब्दुल बहाव रहमतुल्लाह अलैह से ही उन्होंने निकाह किया और फिर बाद में उनका नाम मेरे हिसाब से शाहरा बानो रख दिया गया। उन दोनों की संतान भी यहीं पर आराम फरमा रही है इन्हीं गुम्बदों के नीचे। हजरत शायरा बानो और हजरत अब्दुल बहाव नागौर की सरजमी पर आराम फरमा रहे हैं और उनकी औलादें भी यहीं पर ही आराम फरमा रहे हैं और आज भी उनकी नस्ल यहां पर बाकी है जो यहां की देखरेख करते हैं और यहां के खादिम हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं हजरत अब्दुल बहाब के बड़े बेटे के रोज़े मुबारक की तरफ। ये देखिए इनके बड़े बेटे के रोज़े मुबारक के अंदर हम आ चुके हैं। दोस्तों हम हिंदुस्तान के कोने कोने जाकर आपको अल्लाह के पलियों का दीदार कराएंगे इसी तरीके से आपसे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला की जानिब जो झुक जाता है अल्लाह ताला कयामत तलक मत का ज़रिया बन जाता है और उनके घर हमेशा कयामत तक आबाद कर देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं किसी भी बलि की चौखट पर चले जाइए हमेशा वहाँ लोगों की भीड़ रहती है। इससे लोगों को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला के बलियों का दर हमेशा कयामत तलक आबाद रहेगा। का कुछ सामान और हजरत गौसे आज़म दस्तगीर का कुछ सामान अभी भी मौजूद है, रखा हुआ है, वो हम आपको दिखाने की करेंगे पूरी कोशिश। ये हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पर बहुत ही पुराने पुराने ताले और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों आज का वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कसम खुदा की आपको मज़ा आएगा। इन बलियों की चौखट का दीदार करना हर किसी को नसीब नहीं हुआ करता है। सो वीडियो को पूरा देखें और पूरा दीदार करें और पूरा सामान देखें कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे हजरत अब्दुल बहा। मैं दिखा रहा हूँ आपको बारी बारी से कुछ चीज़ें। ये देखिए ये हजरत अब्दुल बहा के इस्तेमाल करने की कुछ चीज़ें यहाँ पर भी हैं। ये आप रहमतुल्लाह अलैह के चश्मे और जग और कुछ बादाम और ये पानदान वगैरह जिन पर अरबी में कुछ कलाम लिखे हुए हैं। ये देखिए छाली काटने के सरौते और कुछ प्लेट ग्लास, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए माशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों लेकिन आपका जो कीमती वक्त है वो ज़ाया नहीं जाएगा, आपका टाइम की जो कीमत है वो पूरी वसूल होगी और आपको वीडियो में मज़ा आएगा। म्यूज़ियम के बाद में हम आपको लेकर चलेंगे सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ सिक्के हैं जो हजरत अब्दुल बहाब के टाइम के हैं और ये बड़े पीर साहब गौसे आज़म दस्तगीर ने आपको अता फरमाए थे। और ये देखिए यहाँ पर कुछ तलवार और कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप रहमतुल्लाह अलैह की इस्तेमाल में आती थी। यहाँ पर ये तस्वीर है जो आप रहमतुल्लाह अलैह
पढ़ा करते थे और ये आप रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का कुरान है जिसे आप पढ़ा करते थे। अब हम आपको बारी बारी से सारी चीज़ें लगभग दिखा चुके हैं, थोड़ा सा और बचा है इसे भी देख लीजिए। इधर ये एक पालकी है जहाँ जो भी गद्दी नशीन होता है उसे इस पालकी में बिठाल कर पूरे शहर में घुमाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारों के साथ पूरा नागौर गूंज उठता है जब कोई यहाँ पर गद्दी नशीन हुआ करता है उस वक्त। सबसे अहम चीज़ जो लोग गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं वो उनके चादर का भी दीदार कर सकते हैं यहाँ पर। ये हर साल उर्स मुबारक पर बगदाद शरीफ से चादर लाई जाती है और हजरत अब्दुल बहाब के रोज़े मुबारक पर चढ़ाई जाती है हर साल उर्स के मुबारक मौके। इन गुम्बदों के नीचे आराम फरमा रहे हैं अल्लाह के प्यारे महबूब बंदे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हजरत अब्दुल बहाब रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक का दीदार करना और क्या मन्नत मांगी आपने, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और जो भाई यहाँ पर रोज़े मुबारक का दीदार करने आना चाहें तो वो अजमेर शरीफ होकर आ सकते हैं या जयपुर से भी आ सकते हैं। जयपुर से बस और ट्रेन की दोनों सर्विस यहाँ पर आने के लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पर, सूफ़ी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पर जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। उनके ही मुरीदों में से एक मुरीद हैं जो सबसे बड़े मुरीद थे और ख्वाजा गरीब नवाज़ ने ही इनको खिलाफत दी थी नागौर की गद्दी संभालने के लिए। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के एक सबसे नज़दीकी खादिम के रोज़े मुबारक पर। आप लोगों से गुजारिश है जो अजमेर तशरीफ़ लाया करते हैं वो एक बार नागौर तशरीफ़ ज़रूर लाएं।